नमस्कार, आप दो देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार। मैं हूं आपके साथ साक्षी सानी। बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की और जम्मू कश्मीर की, तो आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक पत्रकार वार्ता रखी गई थी। इस पत्रकार वार्ता में माननीय जुगल किशोर शर्मा ने आज बताया है कि किस प्रकार जो वेमॉल की तरफ एक रास्ता बनाया जा रहा था, कहीं ना कहीं वो शहर को दो हिस्सों में बांटने का काम कर रहा था, उस पर एक बड़ा इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा कुछ ही दिनों में। जानते हैं उससे कि क्या होने वाला है इनसे। जुगल जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है चैनल। जी जी, बहुत अच्छा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए कि आखिर क्या होने वाला है आने वाले दिनों में, क्योंकि जिस प्रकार आपने इस पत्रकार वार्ता में बताया कि ये जो सड़क बन रही थी कहीं ना कहीं शहर को दो हिस्सों में बांटने का काम कर रही थी, कैसे और किस प्रकार? ऐसे देखिए, सरकार तो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए ही काम कर रही है। वो प्रोजेक्ट बन गया था, वो डीपीआर जो बनी वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो इंजीनियर्स थे उनका दोष है, सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है। और दूसरा वो जो एक्सप्रेस वे दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर से कटरा जा रहा है, बहुत ही अच्छा एक बड़ा प्रोजेक्ट है और 6000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। लेकिन ये जो 7 किलोमीटर का रास्ता था कुंजवानी से लेकर नरवाल तक, यहाँ पर हम चाहते थे कि भाई फ्लाई ओवर बने, और जहाँ पर एक दीवार दी जा रही थी और दीवार के ऊपर जो है रोड बनाया जा रहा था, उसको लेकर बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। और संघर्ष हमारे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर विक्रम रंधावा जी, श्याम लंगर जी अपने और बहुत सारे जी, देखा गया कड़कती धूप में किया गया था ये प्रदर्शन। जी 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 जी, कुलवीर चाड़क जी, अन्य बहुत सारे लोग थे जो के उसमें शामिल हुए, और पार्टी पॉलिटिक से ऊपर उठकर लोगों ने उसमें अपना योगदान जो है वो दिया है। लेकिन अपने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोग अपनी मजबूरी बता रहे थे कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। 3 दिन तक लगातार दिल्ली में बैठने के बाद कल 4 घंटे की एक मीटिंग जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोगों के साथ नितिन गडकरी जी ने ली, जिसमें हमारे देवेंद्र सिंह राणा साहब, हमारे दावा साहब, हमारे श्याम लंगर जी, उसमें रही कई राउंड की चर्चा हुई, और अंत में हमें सफलता प्राप्त हुई। नितिन गडकरी जी सहमत हो गए कि ये जो ब्लाइंड बाल है इसे हटा दिया जाए और बिना दीवार के रोड जो है वो बनाया जाए, जिस पर के नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोगों ने भी अपनी सहमति प्रकट की। और ये एक बहुत बड़ी सफलता है जम्मू के लोगों के लिए। बतौर सांसद मेरा तो दायित्व बनता ही था, लेकिन जैसे विक्रम जी हैं, अपने देवेंद्र सिंह राणा साहब, श्याम लंगर जी, कुलवीर चाड़क साहब, अपने अरविंदर रैना जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, तरुण चुग जी जो हमारे प्रभारी हैं, सब लोगों का एक ही मत था कि भाई जम्मू को दो हिस्सों में ना बांटा जाए, ये बड़ी दीवार, ऊंची दीवार जो है वो शहर के बीचों बीच ना दी जाए। तो उसमें हमें सफलता मिली है, अब दीवार नहीं बनेगी, रोड बनेगा, बिना दीवार के बनेगा। इसके लिए हम जम्मू के लोगों का आभार प्रकट करना चाहते हैं, उन्हें बधाई भी देना चाहते हैं, विशेष तौर पर नितिन गडकरी जी का, जिन्होंने जम्मू के लोगों की भावनाओं का आदर मान सम्मान करते हुए ये फैसला लिया। पहले जब ये रोड बनने की बात हो रही थी, पहले हमेशा एक मैप दिया जाता है, तो ये मैप पहले दिया गया होगा, उस वक्त इस मैप को अप्रूव करने में किसकी गलती थी? एनएचएआई की गलती थी कि भाई नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो इंजीनियर्स होंगे जिन्होंने डीपीआर बनाई होगी, ये उन्हीं का दोष था। उनको लगता है, उनको लगता था कि हम एक अच्छा रोड जम्मू को देंगे, दोनों तरफ दीवारें देंगे और साइड में सर्विस लेन देंगे, लेकिन हमें लग रहा था कि नहीं, ये जम्मू बंट जाएगा, ये ठीक नहीं रहेगा, जम्मू के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए एजिटेशन भी हुई, और उसका जो बाद में फैसला हो गया तो अच्छा लगा कि भाई ठीक फैसला हो गया। और इसी के साथ अब देखिए, ये बात तो हो गई है कि किस तरह से अब डेवलपमेंट जो है उसके लिए एक तीसरा रास्ता बीच का जो है वो निकाला गया है, परंतु ऐसा क्यों है कि जब भी जम्मू कश्मीर के लोगों की बात आती है, जम्मू को अपनी बात कहने के लिए, बताने के लिए हमेशा प्रदर्शन करने पड़ते हैं, ऐसे क्यों नहीं सेंटर इस बात को समझता कि जम्मू के लोगों की भी कोई ना कोई परेशानी हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। जब से धारा 370 हटी है, देश में नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार बनी थी, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए एजिटेशन नहीं करना पड़ी, सिवाय इस प्रोजेक्ट के लिए। ये भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 6000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए था। लेकिन किसी इंजीनियर की गलती से ये जो है प्रोजेक्ट गलत रास्ते पर चल पड़ा था, जिसे के सुधार लिया गया, और नितिन गडकरी जी सहमत हो गए और अच्छा प्रोजेक्ट बन रहा है। और जहां पर एयरपोर्ट में एक नया टर्मिनल बन रहा है ना जी, उसके लिए किसी ने एजिटेशन तो नहीं की? बतौर सांसद हमने अपना दायित्व निभाया,
रेलवे स्टेशन जो है वो बन रहा है, नया रेलवे स्टेशन बन रहा है, वहां 7 नए प्लेटफार्म बन रहे हैं और बड़ी सुविधाएं दी जा रही हैं, उसके लिए किसी ने संघर्ष किया क्या? यहाँ पर और बड़े सारे प्रोजेक्ट जो है वो बन रहे हैं, बड़े बड़े फ्लाईओवर जो आपने देखे होंगे बन रहे हैं, कोई संघर्ष नहीं। ऐसा है कि कई अगर किसी ने कोई गलती की तो उसे सुधारना तो था ही, इसलिए उसे सुधारा गया। और मैं आपके माध्यम से भी जम्मू कश्मीर के विशेष तौर पर जम्मू के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि आपके प्रयास जो है वो सफल रहे। बातचीत करने के लिए तो ये थे हमारे साथ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा, जिन्होंने सब कुछ बताया है और कुछ बताया और ये बताया है कि किस प्रकार भूल चूक की वजह से एक बड़ा जो है वो जम्मू के लोकल्स को पड़ सकता था। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त करें और मुझे दीजिएगा इजाजत। तब तक के लिए मुझे और मेरे सही